बेचारा घर से चला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में गिर गया। उसके सारे कपड़े तो खराब हो गए, वापस आया, दोबारा कपड़े तब्दील किए, फिर दोबारा घर से निकला। जब दूसरी मर्तबा निकला तो फिर दोबारा उसी जगह पे जाके गिर गया, फिर दोबारा घर आ गया। जैसे ही तीसरी मर्तबा तैयार होकर वुजू करके दोबारा चला तो देखा कि अब एक आदमी एक छतरी लेके खड़ा और हाथ में उसके चराग था, कहा मैं तुझे मस्जिद तक पहुंचा दूं। तवज्जो, हाथ में छतरी थी, चराग था, उसने चराग और छतरी के साथ उसे मस्जिद तक पहुंचाया। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा, कहा जाइए। जब जाने लगा तो उसने कहा आप नहीं आएंगे? कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कहा क्यों? जब आपने मुझे यहां तक पहुंचाया तो आप नमाज नहीं पढ़ते क्या? कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो शैतान हूं। तवज्जो सारे मजमे की, कहा मैं शैतान हूं। कहा शैतान, फिर तूने मुझे ये छतरी क्यों दी, चराग क्यों दिया? कहा पहली मर्तबा तू गिरा नहीं था, मैंने गिराया था। मैं नहीं चाहता था तू नमाज के लिए मस्जिद चला जाए, लेकिन तू जैसे कपड़े बदल के वापस आया तो मैंने देखा सारे फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक मर्तबा गिरने पे जब घर गया, अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। मैंने चाहा दोबारा गिराऊं ताकि अब जब तेरे गुनाह माफ हो गए नमाज तो ना पढ़े। जब मैंने दूसरी मर्तबा गिराया, वापस तू आया, तो सारे फरिश्ते कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने इसकी वजह से इसके सारे खानदान के गुनाहों का माफ कर दिया। जब तीसरी मर्तबा तू वापस आया तो मैंने कहा नहीं, इसे मस्जिद पहुंचा दूं, कहीं इसकी वजह से सारी बस्ती माफ ना हो जाए।